आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस दिया हुआ है एंड इसमें ये नोटिस कि कुछ वर्ड्स बोल्ड में लिखे गए हैं। बोल्ड में लिखे गए हैं तो ये है हमारे इडियम्स। इडियम्स यानी मुहावरे। तो हम मुहावरे बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ये जो मुहावरा ऊपर दिया है, इडियम दिया है, इसमें से हमें इसका मतलब ढूंढना है एंड जो कि इस कंटेक्स्ट में फिट बैठ रहा है। सो इट सेज, ऑल्दो रवि फेल्ट लोनली इन हिज फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग, ही डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है कि किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से पूरी हिम्मत के साथ लड़ना, पूरी ब्रेवरी के साथ लड़ना। तो यहाँ पे लिखा है कि रवि अकेले ही था अपनी फाइट में, उसको अकेला फील हो रहा था, बट स्टिल उसने पूरी जो लड़ाई थी अपनी वो ब्रेवरी के साथ लड़ी। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इट सेज, रवि डिसाइडेड टू कन्विंस अदर्स ऑफ हिज स्टैंड, कि रवि ने दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश करी, जो कि ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है, रवि डिसाइडेड टू गिव अप हिज फाइट, कि रवि ने गिव अप करने का पूरा डिसाइड कर लिया कि अब वो ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। ऑप्शन सी है, रवि डिसाइडेड टू पुट फॉरवर्ड ऑल हिज करेज एंड स्ट्रेंथ, कि रवि ने डिसाइड किया वो अपनी सारी हिम्मत, सारी स्ट्रेंथ लगा देगा। एंड ऑप्शन डी है, रवि डिसाइडेड टू अपोलोजाइज फॉर हिज एक्शंस, कि रवि ने डिसाइड किया कि वो माफ़ी मांग लेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रवि डिसाइडेड टू पुट ऑल हिज करेज एंड स्ट्रेंथ। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है अपनी पूरी हिम्मत लगा देना, ब्रेवरी से लड़ना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।